अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? रोहान भाई, ये बताएं कौन सी जगह है? मैं डटल बीच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? बिल्कुल, आप बताएं। अच्छा एनवायरनमेंट है? बहुत अच्छा। कराची में तो सड़ी हुई गर्मी हो रही थी जब निकले थे, बिल्कुल। यहाँ का क्या हालात है? बहुत खुशगवार मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जवेरिया फातिमा। कौन सी क्लास में? बीएस फर्स्ट ईयर कर रही हूँ राइट नाउ, कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी आए हुए भाई, जबरदस्त। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम पिकनिक पे आए हैं, जायसीबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आए हैं, उनके साथ हम पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। तो लोकेशन बहुत अच्छी है, टटल बीच जगह है यहाँ पे, अभी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से देखें, तीन रंगों का पानी है और बहुत ही जबरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं, आगे नीला पानी है, उसके बाद फिर थोड़ा सा लाइट ग्रीन है और जबरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट है। तो आपको दिखाते हैं, अभी व्लॉग का आगाज करते हैं हमारे साथ। जी फ्रेंड्स, हमारा लियारी एक्सप्रेसवे से सफर स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद हमें थोड़ी स्नैक्स लेने थे, तो हम शॉप पे रुके, वहाँ पे हमने स्नैक्स लिए और अपने सफर का आगाज किया। रास्ते में से थोड़ा ट्रैफिक जाम मिलता है, मगर आगे जाके रोड्स बहुत अच्छी हैं, बहुत जबरदस्त रोड्स हैं। कराची में तो बहुत हब्स वाली गर्मी थी, मगर साहिल समंदर पे आके मौसम बहुत अच्छा था और लहरें जो थी वो बहुत तेज थी। नीट एंड क्लीन हर्ट्स थे, बहुत सफाई सुथराई का निज़ाम था और पानी की कोई टेंशन नहीं थी और जनरेटर भी अवेलेबल था। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? तला। कौन सी यूनिवर्सिटी से? अलीगढ़। अलीगढ़ से? कौन सी क्लास में? अलीगढ़ सिविल, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के अंदर है। तो ये बताएं कौन सी जगह पिकनिक मनाने आए हैं? टटल बीच। अच्छा, तो पानी कैसा है यहाँ का? पानी आप देख सकते हैं भाई, पानी दिखाएं भाई, बोले पानी आप देख सकते हैं, तो कैसा लगा पानी आप? पानी सही है, माशाल्लाह साफ सुथरा है। और तो ये नहाने के काबिल तो लग नहीं रहा मुझे। नहीं नहा सकते हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को, आना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल आना चाहिए, आप इस जगह एडवर्ट अच्छे बने हैं, सब कुछ अच्छा है। अच्छा एंजॉय कर रहे हैं आप? बिल्कुल। चले बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? रोहान। रोहान भाई, ये बताएं कौन सी जगह आए हैं? डटल बीच। अच्छा, कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ का? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। सफर कैसा रहा आपका? सफर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो अभी कौन सी क्लास में? हम लोग बायोमेडिकल सेकंड ईयर। अच्छा, चले अभी इंजॉय करें यहाँ पे, तो उन लोगों से भी मशवरा करते हैं, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? बिल्कुल, आप बताएंगे घूमने पर। अच्छा, कैसा एनवायरनमेंट है? बहुत अच्छा। कराची में तो सड़ी हुई गर्मी हो रही थी जब निकले थे, बिल्कुल। यहाँ का क्या हालात है? बहुत खुशगवार मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा, सफर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा सफर रहा माशाल्लाह। अच्छा, इंजॉय कर रहे हैं आप? बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं। आप इंजॉय करें, अभी दूसरों से पूछते हैं, सही है? ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जवेरिया फातिमा। कौन सी क्लास में? बीएस फर्स्ट ईयर कर रही हूँ राइट नाउ। अच्छा, अलीगढ़ से? उर्दू यूनिवर्सिटी से? कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आए हैं भाई, जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कैसा एनवायरनमेंट लग रहा? एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, इट्स नाइस, आई एम एंजॉयिंग। सड़ी हुई गर्मी थी कराची में, यहाँ पे आगे कैसी, कुछ बेहतर है? हाँ, इट्स क्वाइट फैंटास्टिक राइट नाउ। और पानी का पानी सफाई फाई लग रही? सफाई फाई काफी हद तक है, नीचे जाएंगे तो देखेंगे और बताएंगे। चले आप लोग एंजॉय करें, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।
जी फ्रेंड्स, हम पिकनिक से घर आ गए थे, घर आके फ्रेश हुए और उसके बाद आपके पास आए हैं। इंशाल्लाह आपको उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स की पिकनिक थी तो स्टूडेंट्स ने बहुत इन्जॉय किया और आप लोग भी एटमॉस्फेयर देख सकते हैं, माशाल्लाह अच्छा मौसम था वहाँ का और बच्चों को बहुत ही मज़ा आया और हमें बहुत मज़ा आया, हमने भी इन्जॉय किया। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा और हमारे चैनल शाज़े पसंद एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देगा। हमारा फेसबुक पेज भी है शाज़े पसंद ब्लॉग के नाम से, उसको भी फॉलो करें। इस ब्लॉग से ज़्यादा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।